नमस्कार दोस्तों, ये नया टाइप का एक फूल के साथ में आप लोग को हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड देखिए, ये वाला फूल को हम कई बार पूछे क्या फूल है, हमको ये पता नहीं है। ये जो है ना, सिक्किम दार्जिलिंग इलाका में दिखा जाता है, हम देखे हैं, लेकिन इसका नाम हमें नहीं पता है। फ्रेंड ये देखिए, कुछ इस तरह नीचे में भी गिरा है, देखिए ये देखिए, ये अपने से झड़ जाता है। ये कौन सा फूल फ्रेंड, इसीलिए हम शुरू में ही स्टार्ट किए इसी फूल से कि आप लोग हमको इसको नाम जरूर लिख के बताएं। अब फ्रेंड देखिए, ये पौधा जो है ना, हम किसी चर्च से मांग कर लाए थे, तो सिस्टर जा रही थी तो हमको ये पौधा निकाल कर दिया था। कुछ नाम तो बताया, खाली बोला था वो व्हाइट फूल होता है, लेकिन पता नहीं है फ्रेंड, आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए इस तरह पता थोड़ा कड़ा कड़ा होता है, इसका जो है ना एकदम पूरा साइड से देखिए, ये देखिए पूरा साइड से जो है ना इस तरह फूल निकलता है। और इधर देखिए फ्रेंड, जितना मेरा गमला में जितना ही मतलब कि गुड़हल है, सबको हम सामने से ये मिर्चा जो लगाए थे ना, इधर अच्छा धूप आता है इसीलिए ये सबको हम इधर रखे हैं। और ये सब में जो कली आ रहा है देखिए, ये देखिए कली सब आ रहा है, इसमें भी कली आ रहा है। उधर साइड से खाली भी कर दिए, इधर अच्छा धूप भी इसको लगेगा, इसीलिए हम इसी साइड में पूरा जितना भी है सबको हम धूप तरफ करके, बगान नीचे है, जमीन है, इसी साइड में हम रखे हैं। सब में कली आना शुरू किया है, इस साइड में भी रख दिए। ये भी बेली है, जो ये कोई अभी फूल होगा नहीं, इसीलिए इसको भी इस साइड में रख दिया है। और मेरा उस साइड देखिए आंगन है, सामने तरफ में फूल रखते हैं ज़्यादा, तो हम इस सबको सब साइड कर दिए हैं। और यहाँ देखिए बाल्टी में खाद बनते रहा, चाहे तो मैं इससे कुछ लगा भी सकते हैं। देखिए इधर से हम ऐसे सबको रख दिए हैं, और उधर छाया रहता है ना फ्रेंड, इसीलिए हम जरबेरा को भी यहाँ धूप में रख दिए हैं यहाँ पे। और सब में जितना भी गुलाब है ना फ्रेंड, सब में कली आ गया है, ये देखिए सब में कली आया भी है, और कुछ कुछ फूल खिल भी रहा है, जैसे तोड़ दे रहे हैं, सब में कली है फ्रेंड। यहाँ दो फूल खिला है, इसमें से हम कटिंग कर करके अलग किए हैं, और इसको हम खरीद कर लाए थे 20-20 रुपया में, इसको जमीन में गाड़ दिए, और इसी में से कटिंग ले लेके हम लगाए हैं। इधर देखिए फ्रेंड, ये मेथी है, पीछे में जो लगाए थे गार्डन में, वो मेथी को सब बर्बाद कर दिया कोई सा जंगली जानवर या कुछ साहिल, सब बर्बाद किया। फिर यहाँ सामने में लगाए हैं फ्रेंड, देखिए ये देखिए मेथी, फिर यहाँ लगाए हैं, कुछ धनिया भी डाले हैं। देखिए फ्रेंड, पिंक, हल्का लाइट पिंक जो है, बेबी लाइट पिंक जो मेरा गुलाब का फूल है माने पौधा, उसमें से कितना अच्छे इसका सब फुटाव निकल गया, और एकदम सब में बहुत अच्छा फूल आएगा, आप लोग को हम दिखाते ही रहेंगे फ्रेंड सब में। फ्रेंड यहाँ तो फूल निकाल चुका था, देखिए 2-3 दिन से, और अभी ये देखिए कली के साथ फूल सब है, और सब में कली है। ऐसे तो आपको बताए थे ही हम, मेरे पास गुलाब बहुत है, ना देसी है ना ये हाइब्रिड है, बीज का है फ्रेंड। ये ठंडी में जो है ना फ्रेंड, एक बार फूल खिलता है ना 8 से 10 दिन रहता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा सब में बट साया हुआ है, इस सब में अभी जब एक साथ में खिलेगा ना फ्रेंड, तब आप लोग को हम दिखाएंगे। और देखिए फ्रेंड यहाँ धूप है बोलकर, ये हाइब्रिड वाला ये गुड़हल है, इसको यहीं रखे हैं, यहाँ से कटिंग किए थे तो 2 फुटाव निकला है, और इस सबको कटिंग हम नहीं किए,
इस बार करके देखेंगे, नया पेड़ था ना फ्रेंड, इसलिए नहीं किए। और देखिए यहाँ पे भी फूल सब, गुलाब सब, इस साइड में भी देखिए, उस साइड से लेके इधर बहुत लंबा साइड में पूरा हम इधर लगा के रखे हुए हैं। जब होगा ना फ्रेंड तब दिखाएंगे पूरा ओवरव्यू, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितना सुंदर से गुलाब फूल खिलता है मेरा। एक 10 साल से ये फूल, गुलाब फूल इतना ज़्यादा हुआ, उससे पहले थोड़ा कम था क्योंकि उस समय तो कम शुरू शुरू लगाए थे फ्रेंड। देखिए यहाँ पे एक मेरीगोल्ड खिला है, होली हॉक एक ही एक खिलता है। ये देखिए रेन लिली कितना सुंदर अभी भी खिला है। और यहाँ पे फ्रेंड ये जपड़ी गेंदा, यहाँ छोटा वाला मिनी फुड़बिया, यहाँ जिनिया है, मंडा बिला के साथ में एक गुलाब भी खिला हुआ है। देखिए इस सब को तोड़ देते हैं ना फ्रेंड। मॉसरोज जो हम आने वाले टाइम के लिए रखे, उसमें से डेली इस तरह 4-5 फूल खिलता है फ्रेंड। यहाँ देखिए फ्रेंड मेरा अपने से जो डालिया तैयार किए, देखिए सब तैयार हो गया है। ये सब भी देखिए अभी इसका जड़ निकल आया है लगता है, एक निकल के आप लोग को हम दिखाते हैं फ्रेंड। देखिए सब निकल आया, दो निकल लिया, जा दोनों को तो अभी हमको लगाना पड़ेगा। और इस साइड में देखिए फ्रेंड मेरा मिनी फोड़ भी है, छोटा छोटा मिनी फोड़ भी है। और यहाँ देखिए फ्रेंड मेरा गमफ्रेना, अरे देखिए अपने से हम तो तैयार किए हैं डेंथस, सब तैयार हो गया। और यहाँ पर भी देखिए मेरा ये मैरीगोल्ड, ये देखिए मेरा डलिया, यहाँ पर भी देखिए यहाँ मिनी फोड़ भी है। ये देखिए फ्रेंड यहाँ गम फ्रेना, और ये तो अभी फूल नहीं दे रहा है। और देखिए फ्रेंड बालसम इसमें अलग कलर का है, रेड वाला उस साइड में है। यहाँ पे ये कितना सुंदर कलर है, ना बैगनी है ना पिंक है, दोनों मिक्स है। अरे देखिए फ्रेंड एक ये 2-3 दिन से खिला हुआ है, देखिए कितना सुंदर कलर है, ना व्हाइट है ना पिंक है, लाइट है। अरे देखिए फ्रेंड मेरा ये मैरीगोल्ड जो है ना कुछ खा जाता था, तो इसीलिए इस तरह रखे हैं ऊपर में, राख डाल डाल के इसको बचाए हैं। तो फ्रेंड मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा सो आप लोग बताइएगा फ्रेंड, और लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के इंतज़ार हम करेंगे फ्रेंड। और देखने के लिए आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू देते हैं, थैंक यू।